और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। आपको बता दें कि उधमपुर के खनेड़ इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है और खबर यह है कि इस मुठभेड़ के बाद जवानों ने 3 से 4 पाकिस्तानी आतंकियों के एक ग्रुप को घेर लिया है और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि ये वही आतंकी ग्रुप है जो 6 अगस्त को हुई फायरिंग में शामिल था और इसके बाद वहाँ से भाग गया था। अब सुरक्षा बल के जवानों ने इस ग्रुप को घेर लिया है और आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। उधर अनंतनाग के कोकनाग में सुरक्षा बल का ऑपरेशन अभी भी जारी है। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 जवान जो है शहीद हो गए थे, जिसके बाद सुरक्षा बल की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन ने यह कहा कि इलाके में छिपे आतंकी जल्द ही ढेर होंगे। आर्मी और उसकी पुलिस की मिलके एक वहाँ पे एक ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन के बुनियाद पर एक ऑपरेशन जारी हुआ था, वो कंक्लूड नहीं हुआ है। तो बीच का रिजल्ट्स में हमें ये पता चला है कि 2 जवानों का शहादत हुई है और पर अभी भी जो है वो ऑपरेशन अनफोल्ड कर रहा है। वी स्टिल एक्सपेक्ट दैट वी विल बी एबल टू। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।